सिद्धार्थ शुक्ला की गिरफ्तारी वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें मुंबई पुलिस सिद्धार्थ शुक्ला को पुलिस वैन में बिठा रही है। असल में बिग बॉस के घर में अगर विशाल आदित्य सिंह और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड मधुरिमा तुली की मारपीट छोड़ दें, तो सबसे ज्यादा धक्का मुक्की सिद्धार्थ शुक्ला के ही नाम है। सिद्धार्थ पहले आसिम रियाज और बाद में अरहान से धक्का मुक्की कर चुके हैं। सिद्धार्थ का बिग बॉस के घर में पारा इतना चढ़ा रहता है कि खुद सलमान खान को उन्हें गुस्सा कम करने का फॉर्मूला बताना पड़ा। आपको बता दें, यह वीडियो पुराना है। जानकारी के अनुसार यह वीडियो सिद्धार्थ शुक्ला की गिरफ्तारी का है। रिपोर्ट्स के अनुसार 22 जुलाई 2018 को मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि वह बेहद तेज कार चला रहे थे। यहां तक कि वह अपनी कार की तेज रफ्तार के चलते उस पर से संतुलन खो बैठे और कार रुकने तक वह तीन कारों को टक्कर मार चुके थे। हालांकि इसमें सिद्धार्थ को चोट नहीं लगी थी, लेकिन पूरी घटना में तीन लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तब सिद्धार्थ पर कई केस भी दर्ज हुए थे, लेकिन बाद में 5,000 रुपए का जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया गया था। वहीं इस वीडियो के अब सामने आने और वायरल होने पर अंदेशा लगाया जा रहा है कि इससे सिद्धार्थ की छवि खराब करने की मंशा है। बिग बॉस 13 से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।